मतलब भाई गाने का वैसे मतलब सुनने का सारे शौकीन होते हैं, लेकिन कभी गा के सुनाया? बताओ ना, ईशा शर्मा क्यों गई? कभी कभी गम कभी रूठ गई हो तो मनाया हो, रूठे हो तुमको कैसे मनाओ पिया? अब इतने भी फिल्मी नहीं वाली बात, फिल्मी नहीं। लेकिन कभी जो गाना आपको कोई अच्छा हो, जो पसंद हो, जरा जरा सुना दे, जरा लोग भी तो सुने। क्या मतलब अच्छा गाना आप भी गा रहे ना? नहीं, मैं अभी सुंदर से गाने को एंजॉय कर रहा था, थोड़ा उसी में गुनगुना रहा था। गुनगुना रहे थे, मिनमिना रहे थे, मिनमिना रहे थे। लेकिन कोई ऐसा गाना जो आपको वैसे बहुत पसंद हो तो मैं चाहेंगे जरा आज आप जरा गुनगुना दें हमारी ऑडियंस के लिए। थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि अगर सुरों की कमी तो कोई मसला ही नहीं, हम भी एक से बढ़कर एक एडजस्ट कर लेंगे। एक से बढ़कर एक बेसुरा हमारे पास यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, सवाल सुंदर को छोड़ के। मैं गाऊंगा अगर आप साथ देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप गाना चूज करें, मैं आपके साथ मिनमिना लूंगा। मिनमिना लेंगे। गाना कौन सा सुंदर गाना बताओ कोई अच्छा सा? एक सॉन्ग आप गा सकते हैं, नहीं मुश्किल गाना है ये तो। अच्छा, मेरे ख्यालों पे छाई है। हाँ ये तो हर एक को आता है, ये तो हर एक को आता है। हाँ मेरे ख्यालों पे छाई एक सूरत मतवाली। हो नहीं पाएगा, लोग मुझे तो भाई ऐसे ना कहें तो मैं आपको मिली नगमा, तो वो मिली नगमा सुना दे। मैं मिली नगमा बिल्कुल 14 अगस्त के मनासबत से मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन मैंने गुनगुना दिया था वो, तो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। माइक 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 नहीं नहीं है, ये है काफी है ना। अच्छा चले ठीक है। हाँ तो आप साथ दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आयशा से भी हम कहेंगे साथ दे। आयशा की मुझे चेहरे पे, आयशा आपके चेहरे पे सुर मुझे नजर आ रहा है। बिल्कुल। मैं आयशा के चेहरे पे सुर को पकड़ी मैं सबसे। मैं बताऊं आप दोनों मुझे बहुत सुरीले लग रहे हैं, आप दोनों मिलके गुनगुनाएं मैं आपको रिकॉर्ड करता हूं। मेरे बच्चे मुझे मना करते हैं गाने से, तो या अल्लाह देखिए आजकल हम, या अल्लाह मैं कैसे बच्चे दे दिए हमारे सुरों के मजाक उड़ाते। जी शुरू तो करें, आप शुरू तो करें, फिर हम दरमियान में उचक जाएंगे, मतलब कूदी मार लेंगे वहां पे। हाँ जी बताएं। हाँ प्लीज चलें करते हैं कि जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, जीवे पाकिस्तान। जबरदस्त जबरदस्त। हमारे लिए यही बड़ा है कि जी मुर्तजा भाई ने हमारे लिए जो गुनगुनाया, और ऑफ कोर्स अभी 14 अगस्त गुजरी तो मिली नगमा जो उसकी मुनासिबत से हो गया। अच्छा तो कुछ सवालात हैं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप हैं अवामी शख्स, आप तो जाती हैं और कराची का मेयर हो और वो सड़कों पर ना मौजूद लोगों के मुश्किल हल कराने के लिए, लेकिन जो वो लोगों के सवाल होते हैं ना जो लोग उनसे कर रहे होते हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, और जो अभी के कुछ सवाल हैं लोगों के वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो मैं चाहूँगी जनाब कि वो ज़रा सवालात चलाए जाएँ और फिर हम मुर्तजा भाई से उनके जवाब भी लें ज़रा। साइलेंसर फटा हुआ होता है, फुल रेस वगैरह देखे हमेशा जल्दी में रहते हैं। सबाटर हमें कहते हैं, स्ट्रेट बाइक चलाता हूँ, यूँ का यूँ निकल जाता हूँ, पता ही नहीं है कुछ मेरे को। भाई सबाटर तो उसको बोलते हैं जो तेज काम करता है, गाड़ी स्पीड में चलाता है, जो हर वक्त अकड़ में रहता है, वो सपाटर कहलाता है। सपाटर मुझे देख लो, इसको कहते हैं सपाटर, जो हर टाइम फार्म में रहता है और गाड़ी सेंसर निकाल के तेज चलावे गाड़ी, उसको सपाटर। अच्छा चले, एक ज़रा थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो जो लोगों का सवाल था वो नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे स्लैंग्स आपसे पूछनी थी तो मैं अब उस पर आ जाती हूँ। ये शपाटर क्या होता है? व्हाट इज दिस शपाटर? देखा है आपने कहीं? अच्छा कैसा होता है तो बता दिया, पर कौन लोग होते हैं? डेफिनेशन बताए। क्या लवली माने मुझे लवली माने नहीं पता, लेकिन कैसे हाँ। होते करके दिखा दिए शपाटर। ये बताएं ये कराची में क्या स्लैंग है? अरे भाई सीन ऑन है ये क्या है? नहीं अरे भाई नहीं, मावा सीन ऑन है। मावा मावा सीन ऑन है, क्या मतलब है इसका? सीन ऑन है, जबरदस्त है, गुड सीन है। खैर और इसमें सीन ऑन जो है वो मेरे ख्याल में हर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी के लोग कराची में बोलते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो भी यही बोलते हैं, जितने पैसे वाले नहीं है वो भी यही बोलते हैं, वहाँ सीन ऑन है, वहाँ सीन ऑन है। लेकिन कराची वाले और नहीं, जो पैसे वाले कहते हैं ड्यूट सीन ऑन है, ड्यूट सीन इज ऑन। अच्छा क्या कहते हैं कराची के लोग इस हवाले से आपको सुनवाते जरा?
इन्होंने इसको कहते हैं ऐसे हम कोई फ्रेंड वगैरह की पार्टी वगैरह करते हैं, वो कहता है जानी आ जा यार सीन ऑन है, इस चीज़ को सीन ऑन कहते हैं। सीन ऑन है यार, आज मौसम अच्छा है, घूमने चलते हैं, आज पार्टी पे जाएंगे, सीन ऑन है। मतलब मेरे नज़दीक सीन होने का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जो है सामने मंजर आम पे आ जाए जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, वो सीन ऑन है। कोई भी चीज अनएक्सेप्टेबल हो जी, शो का सीन ऑन है। दिमाग की दही इसका बताए। दिमाग की दही तो डेली बेसिस पे हमारी बन रही होती है। दिमाग की दही बनती है, लस्सी बनती है। कौन बनाते हैं ये दिमाग की दही? बनती कैसी है? मगज क्या कहते हैं, मगज स्मूदी। लेकिन 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 ये जो दिमाग की दही है इसमें आपने एक वर्ड मुझका, मामा दिमाग की दही मत बना। मामा दिमाग की दही ना कर। लोग क्या कहते हैं अभी सुनाते हैं आपको। दिमाग की दही जो बंदा जो है इंसान को पकाता रहता है हमेशा, यानी कि इसकी दिमाग की वाट लगा देता है 24 घंटे, यानी कि जब देखो इंसान का टाइम बर्बाद करता है और उल्टी सीधी बातें करता है जो समझ में नहीं आती किसी के, सही ना, तो वो जो है दिमाग की दही उसको बोलते हैं। भाई दिमाग की दही इस चीज़ को कहा जाता है कि सामने वाले की बात आपको पसंद ना आ रही और वो मुसलसल आपसे एक ही चीज़ को रिपीट करता जाए और आप ना सुनना चाह रहे हो और मुसलसल ज़बरदस्ती आपको सुनाता रहे सुनाता रहे, तो आपकी दिमाग की दही हो जाती है। दिमाग की दही इसको कहते हैं जो बिला वजह खामा खां अड़े और क्या नाम है बोले कि यार ये चीज़ मैं जो कह रहा हूँ कि वो सही है और ये सही नहीं है, और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, बस यही दही बनाने को कहते हैं। ये देखिए वैसे बाकी कितने लोगों की कितने मज़े की डेफिनेशन है, सही बता रहे हैं। लश हो गया का क्या मतलब है? लश हो गया, लश सीन ऑन है, लश हो गया जबरदस्त हो गया, जबरदस्त हो गया। बताए जी लोग क्या कह रहे हैं लश हो गया के बारे में? मतलब ये सर बहुत अच्छा बेहतरीन, और ये कहते हैं यानी कि एक्सीलेंट कह लें, एक्सीलेंट भी हो सकता है, एक्सीलेंट बेहतरीन, लश बेहतरीन को कहते हैं। लश का मतलब है जैसे कोई चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें, जैसे कोई चीज़ पसंद आ रही है जिसको हम लाइक करते हैं तो उसको हम लश बोलेंगे। शांत होना, शार्ट हो जा, चल शार्ट हुआ, शार्ट इसका चल लो। कभी कभार कुछ लोग बोलते हैं ऐसे, वो यूं करते हैं। सॉरी यार, मतलब बुरा मत मानना यार, आप सब मेरे भाई हो, दिल से मोहब्बत करता हूं, लेकिन तभी मैं भी कहूँ ऐसे लोग, मैं अक्सर अपनी टीम के लोगों से बात कर रही होती कि हाँ भी जरा जवाब नहीं देते, वो मुंह में ऐसे कुछ कर देते। लोग क्या कहते हैं आपको सुनाती हूँ। शार्ट होने का मतलब ये, मतलब हम किसी को बोलते हैं ना फोन भाई यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मतलब एकदम भगा देना, इस ये मतलब होता है इसका। जस्ट शार्ट शार्ट का ये मतलब है कि चार दोस्त बैठे हुए आके, तो पांचवा दोस्त आ जाता है, वो दिमाग की लस्सी बना रहा होता है, ज़्यादा पकाता है, बोलता है, तो उसका मतलब उसको कहते हैं कि शार्ट शार्ट हो जाए भाई, दिमाग की दही नहीं बना। ये मुझे बताएं मम्मी डैडी, मम्मी डैडी से क्या मुराद है? ये लोग जो मम्मी डैडी इस्तेमाल करते हैं, मम्मी डैडी बर्गर, बर्गर्स, लेकिन क्या मतलब मम्मी डैडी? मतलब क्या है, थोड़ा लोग मुझे नहीं मम्मी डैडी आर यू मम्मी डैडी, वो जो लोग स्पेशली जी पुल के इस साइड थोड़ी मम्मी डैडी है, पुल के उस साइड वो वाले तो नहीं होता है। अब शहर में पुल भी बहुत सारे हो गए, अंडरपासेस भी हो गए ना, तो होने चाहिए डिफरेंट, वो हो गए, बट मम्मी डैडी थोड़ा क्या सॉफ्ट बच्चे हो जाए इस तरह के ना, मामा टाइप ना। हां मामा लोगों की भी जरा राय जान लेते, लोग क्या कहते हैं मम्मी डैडी किसको कहते हैं? मम्मी डैडी यार वही बच्चे जो जो काम बोलो नहीं करना, मैं चड्डे में ही घूमूंगा, कपड़े भी अम्मी से पूछूंगा पहनने कौन से कपड़े हैं, बाहर जाऊंगा तो मम्मा को बता के जाऊंगा, पापा आएंगे तो बाहर कोई काम करूंगा, ये करना है वो करना है, इस तरह के बच्चे जो घर से बाहर ही नहीं निकलते, अंदर ही वो एक मोबाइल लिया उसी में घुसे में, इधर से उठाया उधर बैठ गए। यार जो आजकल जो बॉय नहीं होते ब्रो यो करते हैं जो, उनको मम्मी डैडी बोलते हैं, पर अगर बच्चे जो होते हैं ना मम्मी डैडी जो होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो रिच फैमिली के हिसाब से होते हैं, और फिर वालदेन के उस पर चलते हैं, हर चीज़ हर काम जो होता है उनसे पूछ के करना, उनसे वालदेन से अपने पूछ के करना, जो खाना पीना और मोबाइल वगैरह इस तरह की जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो सब काम जो होते हैं अपने वालदेन से पूछ के करते हैं ज़्यादातर, मम्मी डैडी जो होते हैं उस तरह के होते हैं। आजकल हम लड़कियों में कॉन्फिडेंस है, हम लोग हर जगह चले जाते हैं मतलब शॉपिंग करने घूमने फिरने, वो मम्मी डैडी नहीं करते, मम्मी से पूछ के बताऊँगी, बर्थडे हो रही होती है कहीं शादी में जाना तो फ्रेंड से नहीं, मैं मम्मी से पूछ के बताऊँगी, हर चीज़ मम्मी डैडी के बता देती है।